हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक महिलाओं की बीमारी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में और बताएंगे आपको इस बीमारी के क्या कारण है, इस बीमारी के हो जाने पे महिलाओं में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा इस बीमारी में काम आती है। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एंडोमेट्रियोसिस। दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस जो है महिलाओं की एक बीमारी है। दोस्तों, सर्वप्रथम इस बीमारी को जो है जानने से पहले हम ये जानेंगे कि एंडोमेट्रियम क्या है। दोस्तों, एंडोमेट्रियम जो है एक प्रकार का जो है टिश्यूज का लेयर है जो महिलाओं के जो है यूटेरस में जो है पाया जाता है। दोस्तों, एंडोमेट्रियम जो है ब्लड टिश्यू, ब्लड वेसल्स, कुछ छोटी छोटी नसें, कुछ ग्लैंड्स, इन सब से मिलकर एक लेयर तैयार होती है। इस लेयर को ही हम जो है एंडोमेट्रियम बोलते हैं। दोस्तों, यह लेयर सिर्फ जो है यूटेरस में ही जो है पाई जाती है, किंतु अगर यह लेयर यूटेरस के बाहर जो है किसी कारण से अगर मिलने लगे तो इस बीमारी को ही जो हम एंडोमेट्रियोसिस जो है कहते हैं। दोस्तों, इस बीमारी में 70-80% जो है एंडोमेट्रियम यूटेरस में ही जो है पाया जाना चाहिए, किंतु यह जो है जब ओवरी में पाया जाने लगता है तो इसको ओवरियन एंडोमेट्राइटिस जो है कहते हैं। दोस्तों, कभी कभी यह एंडोमेट्रियम फैलोपियन ट्यूब में भी जो है पाया जाने लगता है। दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब में पाया जाने वाला एंडोमेट्रियम 20-30% ही जो है लगभग होता है। दोस्तों, एंडोमेट्रियम महिलाओं के शरीर के अन्य पार्ट में भी जो है मिल सकता है और अन्य पार्ट में मिलने को ही जो है एंडोमेट्रियोसिस जो है कहते हैं। दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस हो जाने पर जो महिलाओं में लक्षण दिखाई देते हैं उसमें महिलाओं के जो है पेल्विक रीजन में बहुत ज्यादा पेन होना, यानी कि नाभि का जो निचला हिस्सा होता है उस हिस्से में महिलाओं को काफ़ी पेन होता है, खास करके पीरियड के समय में। इसके अलावा पेट, जांघ और कमर में जो है मासिक के समय में महिलाओं को बहुत तेज़ी से दर्द होना, उनके पेट के निचले हिस्से में एक मरोड़ होता है और ऐसा महसूस होता है कि पेट को जो है काफ़ी तरीके से जो है मरोड़ा जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है। दोस्तों, यह दर्द जो है कमर से होते हुए पैरों तक जाता है और खास करके पीरियड्स के समय में यह तकलीफ जो है बढ़ जाती है। महिलाओं को पेशाब करने में दिक्कत महसूस होती है। अगर वह अपने जो है पुरुष मित्र के साथ संबंध बनाती हैं, इंटरकोर्स करती हैं, तो उस समय भी उनको जो है वेजाइनल रीजन में काफ़ी पेन होता है। दोस्तों, इसके अलावा जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें महिलाओं को जो है डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के भी लक्षण जो है दिखाई देते हैं। कुछ महिलाएं काफ़ी जो है थकान का अनुभव करती हैं, स्वभाव से चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस में महिलाओं में कमर में दर्द होना, पेडू रीजन में दर्द होना, पैर में दर्द होना, इस तरह के जो है लक्षण जो है दिखाई देते हैं। अब दोस्तों आते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के क्या कारण हैं। दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस के पहले कारण में तो पहला कारण है जेनेटिक कॉज। दोस्तों, कुछ महिलाओं में अगर उनके माँ में या नानी में एंडोमेट्रियोसिस की समस्या रही है तो उनके में भी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या जो है देखी गई। इसके अलावा अगर जो है आप लेट एज में प्रेगनेंसी हो रही है तो ऐसे भी महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस की समस्या जो है देखी गई है। अगर आप किसी वजह से हार्मोनल थेरेपी ले रही हैं तो भी आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या जो है हो सकती है। इसके अलावा आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है, मेंसेस टाइम से नहीं आ रहे हैं तो ये दिक्कत हो सकती है। किसी प्रकार का आपके जो है यूटेरस में फैलोपियन ट्यूब में अगर ट्यूमर डेवलप कर गया है तो भी जो है आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या जो है हो सकती है। तो दोस्तों, ये कारण हो गए एंडोमेट्रियोसिस के। अब दोस्तों चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा है
जो एंडोमेट्रोसिस हो जाने पर काम आती है, जिनका उपयोग करके इस समस्या से जो है निजात पाया जा सकता है। तो दोस्तों, होम्योपैथिक दवा में जो पहली दवा है वो दवा है सिमसिफ्यूगा जो है एंडोमेट्रोसिस की एक बहुत अच्छी दवा है, खास करके जब पीरियड्स के समय में जो है कमर में काफ़ी दर्द हो और यह दर्द पैरों तक चला जाता हो, तो ऐसे समय में सिमसिफ्यूगा जो है बहुत अच्छी काम करती है। इसको 30 पोटेंसियम लेकर के 5-5 में सुबह 2 पाई शाम रेगुलर जो है 1.5 से 2 महीने का उपयोग किया जाए तो महिलाओं को एंडोमेट्रोसिस समस्या से निजात मिल जाए। अगली दवा दोस्तों इसमें आती है कोलोफाइलम भी इस बीमारी की बहुत अच्छी दवा है, खास करके अगर पेट के बीच से नाभि के नीचे दर्द हो और यह दर्द जो है पैरों तक जाता हो, कमर में दर्द हो, तो ऐसे समय में कोलोफाइलम जो है काम आता है। कोलोफाइलम का दर्द कमर से लेकर के पेल्विक रीजन तक होता है और पीरियड समय यह तकलीफ बढ़ जाती है। दोस्तों, कोलोफाइलम में ब्लड क्लॉट्स के रूप में आता है, थक्के के रूप में आता है और इस तरह के लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो कोलोफाइलम 30 पोटेंसियम लेकर के 5-5 में सुबह 2 पाई शाम रेगुलर जो है 1.5 से 2 महीने तक यूज़ करें तो धीरे धीरे समस्या जो है ठीक हो जाती है। अगली दवा दोस्तों इसमें आती है फॉलिकुलम जो है इरेगुलर मेंसेस में जो है पीरियड समय में पेन में काफ़ी अच्छा काम आती है और एंडोमेट्रियोसिस की समस्या में भी जो है इसका बहुत अच्छा रोल है। इसको 5 बूंद लेकर के सुबह 2 पाए शाम 3 टाइम रेगुलर जो है 1.5 से 2 महीने तक अगर यूज़ किया जाए तो एंडोमेट्रियोसिस समस्या से जो है निजात मिल सकती है। अगली दवा दोस्तों जो है वो है उफोरिनम एक रेयर दवा है और इस दवा का उपयोग होम्योपैथिक डॉक्टर जो है एंडोमेट्रियोसिस समस्या के लिए करते हैं। उफोरिनम 30 पावर लेकर के 5-5 बूंद रेगुलर 1.5 से 2 महीने तक अगर उपयोग किया जाए तो इस समस्या से जो है निजात मिल जाती है। अगली दवा दोस्तों इसमें आती है थूजा भी जो है एंडोमेट्रियोसिस समस्या में बहुत अच्छा वर्क करती है। 200 पावर लेकर 1 बार नित्य 5 मिनट शाम को अगर लिया जाए और रेगुलर 1.5 से 2 महीने तक उपयोग कराया जाए तो धीरे धीरे ये समस्या जो है ठीक हो जाती है। अगली दवा दोस्तों इसमें आती है पल्सेटिला ऐसी महिलाओं के लिए जो शर्मिले स्वभाव की हैं, अपनी समस्या कहते वक्त उनकी आँखों में आंसू आ जाती है, शरीर उनका जो है मोटा तगड़ा है और शर्मिले स्वभाव की हैं, ऐसी महिलाएं जिनके पीरियड्स जो है चढ़ के आते हैं, टाइम से नहीं आते हैं, डिलेड मेंसेस आते हैं, ऐसे महिलाओं को पल्सेटिला 200 पावर में लेकर के 5 बूंद यानी रेगुलर 1.5 से 2 महीने तक अगर उपयोग कराते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस समस्या से जो है जल्दी निजात मिल जाता है। अंतिम दवा दोस्तों इसमें जो आती है वह है कैल्केरिया फ्लोर एक बायकेमिक दवा है और एंडोमेट्रियोसिस में इसका बहुत अच्छा रोल है। 6-6 गोली अगर रेगुलर 2 से 3 बार उपयोग कराया जाए और 1.5 से 2 महीने तक जो है महिलाएं इसका लगातार सेवन करें, धीरे धीरे एंडोमेट्रियोसिस समस्या जो ठीक हो जाती है और महिलाएं इस समस्या से जो है मुक्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आज की बात एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बनाएं तो इसकी सूचना अतिशीघ्र आप तक पहुंच सके, आपको रोगों के बारे में, होम्योपैथिक दवाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मिले। तो दोस्तों, इसी साथ अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय होम्योपैथी।